ये वीडियो आज आपको मदद करेगा निर्णय लेने में कि आप मेडिकल प्रोफेशन के लिए बने हैं या नहीं, और आपके पेरेंट्स को भी कि आपको समझ सकें कि आप इस प्रोफेशन के लिए बने हैं या नहीं। ठीक है, तो आप लोग मिलकर ये डिसीजन लें, पहले समझें कि क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए मेडिकल प्रोफेशन में आने के लिए। तो मेडिकल प्रोफेशन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें MBBS से लेकर BMS, BHMS, BSc नर्सिंग, फिजियोथेरेपी सभी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आप किसी मरीज की हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करते हैं। ठीक है, पहला तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आपकी क्वालिटीज़ पर। ठीक है, पहला है आपको स्कूल के समय से ही, बचपन से ही ह्यूमन बॉडी को समझने की, माइंड को समझने की उत्सुकता होती है। साइंस आपको अच्छा लगता है और आपका माइंडसेट साइंटिफिक है, जहां आप धारणाओं की जगह साइंस पर बिलीव करते हैं, तो आप इस प्रोफेशन के लिए कदम बढ़ा सकते हैं बायोलॉजी लेकर। दूसरा, यदि आपको भीतर से सेवा भावना, दूसरों की केयर करने में मज़ा आता है, लगता है कि मुझे दूसरों की तकलीफें दूर करके अपनी लाइवलीहुड चलानी है, ज़िंदगी चलानी है, तो ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको ये मौका देता है दूसरों की सेवा करने का, साथ ही साथ में अपनी ज़िंदगी को उसी सेवा से जो आपको पेमेंट मिलती है या फी मिलती है उसी से आपका अपना घर और बाकी खर्चे चलाने का रिस्पेक्टफुली। ठीक है, तो यदि आपको सेवा भावना में मज़ा आता है, तो हालांकि सेवा दूसरे प्रोफेशन में भी आप करते हैं, टीचर होकर, IAS होकर, किसी भी सेक्टर में रहकर आप सेवा कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जब कोई व्यक्ति बीमार होता है या डेथ हो रही होती है उसको बचाना, वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है हमारे इस चीज़ में कि हम किसी की सेवा करके अच्छे से रहना चाहते हैं। तीसरी क्वालिटी आप में, आपको यदि लगता है कि आप दूसरों से कम्युनिकेट बेहतर ढंग से कर पाते हैं, अच्छे से बात कर पाते हैं, उनकी बात अच्छे से सुन पाते हैं, एम्पैथी के साथ उनको सही ढंग से आप सलाह दे सकते हैं अच्छे से सुनकर, तो आपको इस प्रोफेशन में आना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि आप बहुत मिलनसार हों या आपकी बहुत लोगों से दोस्ती होती हो, जैसे मैं खुद बहुत कम दोस्त बनाता हूँ, जब जो भी एक मेरे ज़िंदगी में 3 दोस्त हैं वही मैं बहुत मानता हूँ, बहुत पार्टीज में नहीं जाता, लेकिन देखो जब आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं, मुझे लेक्चर लेने में अच्छा लगता है, या जो पेशेंट्स आते हैं उनको उनकी बातें सुनकर उसको सलाह देना मुझे अच्छा लगता है। तो यदि आप में ये क्वालिटी है कि आपको दूसरों से सुन के उनकी तकलीफ़ों को समझाने में, उनकी तकलीफ़ों को दूर करने में अच्छा लगता है, तो आप इस प्रोफेशन में अवश्य आइए। फोर्थ क्राइटेरिया घर की आर्थिक परिस्थिति। क्या गरीब बच्चे इस प्रोफेशन में आ सकते हैं? तो मैं कहूँगा बिल्कुल आ सकते हैं। मैं 93 में MBBS में आया था, तब मेरा खर्चा 800-900 रुपये महीना हुआ करता था, पूरा सब कुछ मिला के, फी, किताबों का खर्चा, सब कुछ। लेकिन आजकल थोड़ा फी गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी MBBS वगैरह में काफ़ी बढ़ गई है, तो आपको लेकिन बहुत सारी दूसरी सुविधाएं भी मिल सकती हैं, जैसे कि लोन मिल सकता है, या SC ST कैटेगरी में तो आपको फ्री हो सकता है सब कुछ एजुकेशन, लेकिन फिर भी आपको एक लंबे समय के लिए सेल्फ सस्टेनेबल होना चाहिए। आपके तो कुछ घरों की परिस्थितियाँ होंगी कि आपको जल्दी से जॉब करने की ज़रूरत हो, तो आपको थोड़ा मुश्किल होगी, क्योंकि एटलीस्ट 4.5 साल आप जॉब नहीं कर पाएंगे। बाकी प्रोफेशन में जैसे मैंने देखा इंजीनियरिंग में कर लेते हैं लोग, BMS, BHMS वगैरह में भी कर लेते हैं, लेकिन MBBS में या नर्सिंग करते समय आप दूसरा जॉब नहीं कर सकते। नर्सिंग में हालांकि स्टाइपेंड आपको मिलता है खुद के खर्चे चलाने के लिए, MBBS में स्टाइपेंड भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो 4.5 साल तक आपको अपने पेरेंट्स के खर्चे या बैंक से लोन पर डिपेंडेंट रहना होगा। ठीक है, अब आते हैं अगला पॉइंट होना चाहिए आपके व्यक्तित्व में, वो है हार्डवर्किंग। आप यदि हार्डवर्किंग हैं, आप यदि नाइट शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रेनिंग के दौरान खूब मेहनत कर सकते हैं, तो इस प्रोफेशन में आइए। आप यदि लेजी हैं तो आपको मुश्किल जाएगी पेस को मेंटेन करने में, आप डिप्रेस होने लगेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है पढ़ाई में आप कितने अच्छे हैं। देखिए, इस प्रोफेशन में मैंने कमज़ोर बच्चे भी देखे हैं बहुत सारे, जो कि अच्छे डॉक्टर होकर ठीक ठाक अच्छी ज़िंदगी और सफल भी ज़िंदगी बिता रहे होते हैं, लेकिन आमतौर पर यदि आप पढ़ने में अच्छे नहीं होंगे तो आपको पीयर ग्रुप से अपने कॉलेज में मेंटेन करने में वो पेस, खासकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में बड़ी मुश्किल आएगी, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे बड़े पढ़ाकू किस्म के होते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं, तो आप डिप्रेस होने लगेंगे, क्योंकि लगातार आपको 5.5 साल MBBS और उसके बाद 3 साल MD को, MS को देना है कम से कम, तो इतने पीरियड में यदि आप पढ़ाई में अच्छे नहीं होंगे तो आपके अटेम्प्ट्स भी लग जाएंगे, फेल हो सकते हैं, तो आप डिप्रेशन में जाने लगेंगे। तो एटलीस्ट आपको एबो एवरेज होना चाहिए पढ़ाई में। ठीक है, बैकडोर एंट्रीज बहुत सारी हो जाती हैं, ले लेते हैं लोग, लेकिन फिर उसके बाद डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, तो एटलीस्ट एबो एवरेज हो कि आपको साइंस अच्छे से समझ आता हो, इतना तो ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, किस वजह से इस प्रोफेशन में नहीं आना है? इस प्रोफेशन में यदि आप ये सोच कर आ रहे हैं कि उस डॉक्टर के पास बहुत लंबी कार है, बड़ा बंगला है, देश विदेश के टूर्स हैं,
बड़ी उसका नाम वाम है। तो यदि ये बाहरी चीजें देखकर सिर्फ आ रहे हैं, इनको देखना बुरा नहीं, लेकिन सिर्फ ये देखना बुरा है, ठीक है। यदि ये देखकर आप आ रहे हैं तो आप गच्चा खा सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई करते समय आपको इन टारगेट्स को नहीं की वजह से आप नहीं पढ़ सकते। आप इतनी मोटी मोटी किताबें होती हैं 22 सब्जेक्ट्स की, वो तभी पढ़ सकते हैं जबकि आपको पढ़ने में ही मज़ा आता हो, जबकि आपको जानने में ही मज़ा आता हो। हालांकि फाइनेंशियली ये सबसे सिक्योर प्रोफेशन में से एक है इस समय भारत में, मैं बता दूं, खासकर MBBS। आपको बेरोजगार नहीं होना पड़ेगा, अन्य प्रोफेशन में तो ये संभावना हमेशा रहेगी। भले मैंने IIT, मेरा कजिन ब्रदर IIT में है, वहाँ से भी लोगों को डिफिकल्टी आती है जॉब मिलने में, लेकिन मैंने कभी किसी MBBS डॉक्टर को जॉब्स में तो डिफिकल्टी नहीं देखी। इस प्रोफेशन की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, तो आप किसी भी प्रोफेशन के प्रोज एंड कॉन्स जब जानते हैं तो उसको बेहतर ढंग से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह से है जैसे आप एक क्रिकेट टीम लेकर जाते हैं किसी दूसरे मोहल्ले में खेलने, या दूसरे देश में हमारी टीम जाती है, तो दूसरी टीम के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हमें पता हो, साथ में अपने टीम की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता हो, तो हम बेहतर एग्जीक्यूट कर सकते हैं प्लान को। इसलिए किसी भी प्रोफेशन में आने के पहले उसके विषय में सब कुछ जान लीजिए, साथ में खुद के विषय में जान लीजिए कि आप उसके लिए बने हैं या नहीं। तो मेरे ये वीडियो आपको ये मदद कर रहा होगा ये जानने में, आपके पेरेंट्स को मदद करेगा मैं उम्मीद करता हूँ। यदि आपको अच्छा लगा हो दूसरों को शेयर करना, दूसरों से डिस्कस करना, दोस्तों के साथ डिस्कस आउट करके फिर अपने लिए बेस्ट चुनना। तो ये क्वालिटीज खुद में देखो कि है कि नहीं, और यदि इसमें आने का तय किया है तो इन क्वालिटीज को क्या कल्टिवेट करो, बढ़ाओ, ठीक है। एक चीज और, बहुत सेवा भावना का प्रोफेशन है, इसमें आप किसी की सेवा करके जान बचाते हैं, किसी को स्माइल देते हैं, अच्छा लगता है बहुत। मैं एक मैसेज इससे देना चाहूँगा, भारत में नर्सेस की इज्जत नहीं करते हैं मरीज, सारा क्रेडिट डॉक्टर्स को दिया जाता है। जब कभी ठीक हो जाते हैं और कुछ गलती होती है तो नर्सेस को डांट पड़ती है, ये करना बंद कीजिए। नर्सेस जो हैं उनका रोल बेहद अहम है किसी मरीज को ठीक करने में, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनके साथ बदतमीजी मत कीजिए, ठीक है, उनको छोटा कर्मचारी मत समझिए। और यहाँ नर्सेस ही क्यों, वार्ड बॉय, आया भाई, जो भी हॉस्पिटल में जो भी हो, उनकी इज्जत किया कीजिए। वो लोग सिर्फ पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए, सिर्फ पैसे के लिए इतना हार्डवर्क नहीं किया जा सकता, गंदगी में नहीं रहा जा सकता, कीटाणु के भीतर नहीं रहा जा सकता, उनमें भीतर कहीं आपको ठीक करने की इच्छा है, इसलिए वो वैसा कर रहे हैं। तो उनके छोटे होने कि वो आपको लग रहा है कि आपको तो डॉक्टर से ही मतलब है, इसलिए उनकी स्किल को सम्मान नहीं देना या अपमान करना गलत है। तो ये मैसेज के साथ मैं ये वीडियो को रखता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे अपनी ज़िंदगी में। थैंक यू वेरी मच। डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया कीजिए, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लिंक होते हैं, मेरी वेबसाइट का भी लिंक है, नई नई बनी है, उसको थोड़ा और इम्प्रूव करूँगा, और हो सकता है बाद में मैं कुछ उससे देखता हूँ, उसमें कुछ एजुकेशन वगैरह मटेरियल वगैरह डालना शुरू करूँगा, ब्लॉग्स वगैरह। थैंक यू।